सो हैलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। और आज हम गाइस आ चुके हैं, और गाइस मैं आज आपको सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व अ रूबिक्स क्यूब। पूरा गाइस कंप्लीट फुल वॉच करना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, और गाइस पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और वीडियो को जिसने अगर जो भी कुछ गाइस आप सीख के जाओ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर लिख देना कि गाइस सर हम सीख गए। तो गाइस मुझे बहुत खुशी होगी, और वीडियो को चलो शुरू करते हैं। मैं इस रूबिक्स क्यूब को पहले स्क्रैम्बल करके दिखा देता हूँ आपको, और फिर मैं आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, वरना आपको समझ नहीं आएगा, और बिना आपका टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा क्यूब एकदम बढ़िया तरीके से अनसॉल्व हो चुका है, और अभी तो कैमरे की क्वालिटी बहुत बढ़िया आ रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप कोई भी एक कलर ले लो, कलर चूज कर लो, कौन सा करें। सो गाइस वाइट से करते हैं ताकि वाइट बढ़िया चमकेगा लगी। तो वाइट से हम कलर शुरू करते हैं। और यहाँ गाइस सबसे पहले एक बात है, स्टेप वन आपको दिख गया होगा क्या है। अब यहाँ हमें देखो गाइस सबसे पहले क्रॉस बिल्ड करना है। अब क्रॉस बिल्ड करेंगे, बहुत इजी स्टेप है क्रॉस बिल्ड करने का, और क्रॉस ऐसा होना चाहिए जिसमें कलर्स मैच करें। मैं बना के दिखाता हूँ सीधा। फिर आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाना है, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो इसलिए तो मैं बना के दिखा देता हूँ। सो गाइज देखो, जैसे कि मैंने जल्दी से एक रूबिक्स क्यूब में अपना एक प्लस बिल्ड कर लिया है, तो गाइज आपको भी ऐसे एक प्लस बनाना है देखो। और प्लस ऐसा होना चाहिए कि देखो कलर्स भी मैच करें, रेड टू रेड, ये देखो ऐसे जा रहा है, रेड टू रेड मैच है, ब्लू टू ब्लू मैच है, और ऑरेंज टू ऑरेंज मैच है, ग्रीन टू ग्रीन मैच। तो ऐसा एक बहुत बढ़िया देखो कितना मस्त लग रहा है हमारा, एक प्लस बना लेना है। और प्लस बनाना बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ कैसे बनाते हैं प्लस। मैं बिगाड़ लेता हूँ इसे, देखो अब ये बिगड़ चुका है अच्छे से। अब मैं बताता हूँ प्लस कैसे बनाना है। पहले वाइट पीस कहाँ गया, मैं आपको कैमरे में देख के समझा रहा हूँ इसलिए मेरी स्पीड रुक जा रही है। तो देखो अब यहाँ एक प्लस बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे हमें याले याले पीसेस ढूंढने हैं, कौन से एज पीसेस बोलते हैं ना, एज पीसेस। तो एज पीसेस ढूंढने हैं, एज पीसेस। सो गाइस देखो अब हमें ऐसे यहाँ प्लस बनाने के लिए पीसेस याले ढूंढने, मैंने बता दिया एज पीसेस। और देखो तो ये एक एज पीस मिल गया मुझे। और देखो इसमें बहुत इजी स्टेप होता है कि ऐसे इसको नीचे येलो पे लाना है, येलो है ये, और इसको देखो फिर ये रेड है, ये वाइट का रेड है, तो इसको रेड से रेड मैच करना है ऐसे। रेड से रेड देखो मैच हो गए टू कलर्स। अब इन्हें ऊपर ऊपर को ले जाते हैं, ये देखो ऐसे करके हमें हर जगह ऐसे ही करना है। तो अब देखो और पीसेस ढूंढते हैं वाइट के, ये है ये ऑरेंज, इसको डाउन किया, ऑरेंज को उससे मैच करना है, ऑरेंज मैच किया, वाइट है ही, इसको ऊपर ऐसे एक लाइन आ गई। अब दो पीसेस यहाँ यहाँ मिलाने हैं, तो और पीसेस ढूंढ लेते हैं। ये जैसे कि एक ब्लू है, ये देखो इसको ब्लू से ब्लू मैच किया, और इसको ऊपर, अरे वो बिगड़ गया सॉरी। तो चलो देखो मैंने देखा नहीं ना, देखो अब ये याला पीस है तो उसे ग्रीन से ग्रीन मैच हो रहा है ये। इसको एक बार इधर लाना है, ये ऊपर ले जाने के लिए, इसको इधर को और ये ऊपर, कलर से कलर मैच होने चाहिए। बस एक पीस रह गया है, इसको लगा लेते हैं। ये रेड से रेड मैच था पहले ही, तो इसको ऊपर उठाना है ऐसे करके। एक बहुत ईजी प्लस बन जाएगा आपका। अगर आपको नहीं आया प्लस बनाना तो एक और बार बना। गाइस वीडियो बैक करके एक बार पीछे करके देख लो, पर स्किप बिल्कुल मत करना। और तो ऐसे प्लस बनाने के बाद एक बहुत बढ़िया प्लस लग रहा है देखो अब हमारा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ कॉर्नर्स पीस अरेंज करने हैं। कॉर्नर पीस आपको अरेंज करके मैं दिखा देता हूँ कैसे अरेंज करने हैं। सो अब ऐसे देखो एक ऐसे कॉर्नर्स पीस अरेंज कर लेने, और हमें हर जगह पे एक छोटा छोटा टी भी बिल्ड कर लेना है। ऐसे एक टी बिल्ड हो जाएगा देखो, हर जगह टी बनना चाहिए। टी नहीं बनता तो आपका मतलब ये कॉर्नर्स गलत अरेंज है। अब मैं बता देता हूँ कॉर्नर्स कैसे अरेंज करने हैं, तो इन्हें हटा के दिखाता हूँ एक मिनट। तो हम वापस अपने एक प्लस पे आ चुके हैं। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे अब हमें ये कॉर्नर्स पीस अरेंज करने हैं, बहुत ईजी स्टेप होता है। तो अब हमें सबसे पहली बात कॉर्नर यहाँ यहाँ लगाने हैं, तो यही वाले पीसेस ढूंढने होंगे वाइट के, ये है ये और कौन सा एक ये भी है। तो अब देखो हम इन्हें कैसे ऊपर ला, यहाँ कैसे सेट करना है, और टी भी बनना चाहिए। तो ये है एक पीस, इसको ऊपर लाने के लिए ऐसे तो लाएंगे तो ये हट जाएगा ना, तो इसको ऐसे नहीं ला सकते हम। तो इसको लाने का एक इजी स्टेप है, ये देखो ये वाइट है, ब्लू और ऑरेंज, हमें तो पूरा देखना पड़ता है, ब्लू और ऑरेंज से मैच करना है इन्हें। ये ऑरेंज और ग्रीन से मैच हो रहा है पर ये नहीं, तो ये गलत है, इसको इधर लाना है। ये ऑरेंज से मैच हो गया और ये ब्लू से मैच हो गया, तो अब इसको ऊपर कैसे लाएं, ये अब तो इसका एक ईजी एल्गोरिथम है कि देख लो क्या है, आर प्राइम
डाउन आर प्राइम डाउन प्राइम ओ, तो मैंने आर प्राइम बोल दिया था, ऐसे आर था। तो अब इसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कैसे, तो जब तक करते रहो जब तक ऊपर नहीं आ जाता, मैं ऐसे ऐसे इजी स्टेप करते रहो, ऐसे बस करते रहो जब तक कि ये सेट नहीं हो जाता। हो गया, ये ब्लू से ब्लू मैच और ये ऑरेंज से ऑरेंज। चलो अब ऐसे और पीसेस सेट करने हैं। तो गाइस थोड़ा इधर उधर से साउंड आ रहा है, तो ऐसे ही देखो ये सेट हो गया। अब इसको ऐसे ही करते रहो जब तक, अब देखो ये है रेड एंड ग्रीन, ऑरेंज एंड ग्रीन है ये, तो इसे ऑरेंज और ग्रीन के पास लाते हैं। ये आ गया, ये देखो ये ग्रीन से ग्रीन और ये ऑरेंज का ऑरेंज। अब इसको वाइट को इधर सेट करना है, तो कैसे करेंगे भाई, ऐसे करते रहो। गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जिसने अब तक नहीं किया है। और देखो अब ये, अब यहाँ पे सेट करना है। तो गाइस आज एक नए पिरामिड क्यूब की भी वीडियो डाल दूंगा, आज नहीं कल डालूंगा, वो कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारा ऐसे हर जगह एक टीवी बिल्ट हो चुका है। तो गाइस अब हम स्टेप दूसरा, अब अगला स्टेप पे बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप है हमारा कि हमें सेकेंड लेयर कंप्लीट करनी है, ये इसे बोलते हैं सेकेंड लेयर, ये पूरी बन जानी चाहिए। तो देखो हमारी सेकेंड लेयर भी बिल्ट हो चुकी है, मैंने आपको दिखाया नहीं करते हुए, अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। ऐसे एक सेकेंड लेयर भी बना लेनी है, मैं बिगाड़ के दिखाता हूँ। तो अब देखो ये मैंने हटा ली, क्या बोलते हैं, हाँ तो अब इसे हम सेट करना है। ये इधर रेड आना चाहिए, इधर ग्रीन, इधर ऑरेंज, तो इधर ग्रीन। तो अब ये कैसे करना है, इसका बहुत इजी स्टेप है, हमें येलो पे आ जाना है और येलो में ऐसे कलर्स ढूंढने हैं जो येलो टच ना हो, क्योंकि येलो येलो ऊपर आएगा, येलो नीचे है नहीं, तो येलो ऊपर सेट होंगे। तो इसको करने के लिए एक ईजी एल्गोरिथम है, देखो जो भी कलर है उसको पहले देख लेते हैं। ये कलर है जैसे कि रेड को रेड से मैच करा, एंड ग्रीन हमें राइट साइड पे भेजना है, इधर ग्रीन राइट साइड भेजने के लिए एक स्टेप है। तो कैसे, इधर भेजने के लिए तो लेफ्ट में घुमाना है इसे, और इसको ऊपर, इसको इधर, इसको डाउन, फिर जहाँ ये गया इधर गया है, तो इसको इधर, सॉरी इसको इधर, इसको इधर, और इसको ऐसे, ये आ गया ग्रीन इधर और रेड इधर। आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं क्या क्या मैंने किया। तो गाइस अब देखो ये एक सेट हो गया था, और अब ऐसे और नॉन येलो कलर देखने हैं, ये है जैसे कि इसको ऑरेंज को ऑरेंज से मैच करते हैं, ग्रीन हमें इस साइड भेजना है ये देखो। तो इसके लिए इधर को एक टर्न, इसको ऊपर, इसको इधर, इसको इधर, ये आप बस मेरी स्पीड धीरे करके भी देख सकते हो प्लेबैक से। और अब देखो ये कलर इधर ऑरेंज हमें इधर भेजना है, ये ऑरेंज इधर भेजना है, तो इसके लिए इधर को मैं आपको जितना धीरे हो सकता है उतना धीरे करके दिखा रहा हूँ। और गाइस ये आपको याद रख लेने हैं सारे, ये देखो सेकंड लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ एक प्लस बनाना है, और प्लस बनाना थोड़ा सा हार्ड रहेगा, पर अगर आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। इसकी भी एक वो है स्टेप, देखो अगर मेरा बन जाए तो कोई बात नहीं, आप बस वही स्ट्रिक करते रहना जब तक मैं करता हूँ, जब तक मैं आपको बता दूंगा कब तक करूँ, तो मैं आपको प्लस बना के दिखाता हूँ कैसे बनाना है। तो अब यहाँ आपको एक येलो ऐसे करके प्लस बना लेना है, और अगर आपका पहले से ही बना मिला तो बहुत बढ़िया बात है, वो तो बहुत ज़्यादा लकी, बहुत कम टाइम होता है। देखो ऐसे करके एक यहाँ प्लस बनाना है, और वाइट भी नहीं बिगड़ा मेरा, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। अब मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ और फिर मैं बताऊँगा आपको कैसे प्लस। देखो अगर आपको कभी ऐसे ऐसे मिल सकता है, ये देखो ऐसे, और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकता है, बताता हूँ। ऐसे भी एक लाइन मिल गई, अगर आपको लाइन मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, लाइन भी एक बहुत मुश्किल से मिलती है। लाइन मिल गई तो आपको मैं क्या करना है मैं बता देता हूँ। अगर आपका डॉट है सिर्फ, कुछ नहीं है, तो मैं आपको फिर से बताऊँगा क्या करना है, पहले लाइन वाले देख लें। तो उन्हें क्या करना है, ये एक एल्गोरिथम है ईजी। तो फ्रंट क्लॉक वाइज ऐसे घुमाना है, ऐसे कैसे, ये फ्रंट है, इसको ऐसे घुमाना है, फिर इसको इसको ऊपर, इसको इधर, और इसको डाउन, और इसको फिर से बैक, और फ्रंट घुमाना है, फ्रंट फ्रंट को ऐसे लाना है, प्लस बन जाएगा लाइन वालों का। अगर आप डॉट पे थे तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, इसको हटा लेते हैं एक और प्लस को डॉट वालों के लिए। अब प्लस बना लेना है जिन्होंने, तो रुक जाए थोड़ी देर, अब मैं बता दूँ, ये डॉट ही मान के चलो इसे। अब हमें बस यहाँ ऐड लाइन बनानी है, एक सबसे पहले लाइन बनती है, तो इसके लिए इधर से पकड़ना है, इसको
फ्रंट क्लॉकवाइज, वही जो पहले किया हमने जिन पे लाइन थी, ये देखो अभी लाइन आ गई। अब लाइन बनने के बाद तो आपको पता ही है, ऐसे घुमाना है इसको, ऐसे इसको, ऐसे इसको, ऐसे इसको, ऐसे ऐसे। आपको एल्गोरिथम लिखी आ रही है वही बस कर लो, ऊपर मैं स्क्रीन पे दिखाई रहा हूँ। प्लस बनाने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। प्लस बनाने के बाद बहुत ईजी स्टेप है, सारी जगह आपको कलर्स मैच करना है ऐसे करके, और जैसे ब्लू से ब्लू मैच, और सारे मैच करने चाहिए, जैसे कि ग्रीन और ऑरेंज मैच है, दो कलर आपको मैच मिलेंगे, या तो ऐसे मिलेंगे या आगे पीछे के मिलेंगे। तो अगर आपको आगे पीछे के मिलते हैं तो इधर से पकड़ के याला स्टेप जो मैं करूँगा अभी, अगर ऐसे मिलता है तो याला एक राइट पे रख के जो मैच है, और एक बैक पे रख के इसको ऐसे करना है। और जिनका क्या बोलते हैं अपोजिट साइड मैच थे उनको भी ऐसे ही करना है। अब आपके सारे कलर्स मैच हो जाएंगे, देखो अब आपका क्यूब लगभग लगभग सॉल्व हो गया है। बस अब आपको कॉर्नर्स भी अरेंज करने हैं, इसको ऊपर और इसको सबको ऊपर करना है। ये देखो सब बनता ही जा रहा है, बहुत बढ़िया। और जैसे मैं वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, मैं बोले जा रहा हूँ बार बार। और देखो अब आपको ऐसे मिलने के बाद एक कॉर्नर पीस अरेंज मिलेगा, प्लेस नहीं है वो, ये मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, तो आपको कहीं से भी कर लेना है, मिलेगा तो बढ़िया है। तो देखो जैसे कि ये येलो हमें ऊपर करना है, ब्लू इधर, ग्रीन नीचे, और ऑरेंज इस साइड, बाकी सब गलत ट्विस्टेड है। तो बस हाँ ये भी गलत है, इसको भी ये देखो गलत सेट है। तो अब जिसका ये मिल जाए तो इस साइड से पकड़ो, अगर नहीं मिलता तो किसी भी साइड से पकड़ के ये याला इजी एल्गोरिथम। इस साइड राइट पे रखना है ये, अप ये ऐसे करके, आपको स्क्रीन पे लिखा आ ही रहा होगा, आप बस ये याद कर लेना सब। देखो अभी देखो क्या कर सकते हैं, अभी सारे सारे ही कॉर्नर पीस अरेंज हो गए हैं। अगर आपके नहीं होते हैं एक और बार, सिर्फ एक बार और करना है, कुछ अरेंज हो जाएंगे। देखो अब सारे के सारे कॉर्नर पीस अरेंज हो गए, बस हमें ऊपर करना है इन्हें। येलो इस साइड ऊपर हो जाएगा, और ग्रीन इधर, ऑरेंज इधर, सारे ऐसे ही करना है। अगर आपका नहीं हुआ, मुझे पता है किसी किसी का नहीं होता है बहुत बार, तो मैं उसे करके दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे दोबारा कर लो। जिसका हो गया वो ऐसे ही रोकना, मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे करते रहो, अरेंज हो ही जाएगा। अब देखो अब हमारे सारे अरेंज थे, तो अब एक लास्ट स्टेप पे आ गए हम, अब सबको ऊपर ट्विस्ट करना है। तो ऐसे करने के लिए देखो सारे सेट है, सबको ऊपर उठाना है बस। अब ये करने के लिए हमें ना वाइट ऊपर रख के, येलो नीचे रख के बॉटम से पकड़ लेना है। अब ये देखो जब तक ये येलो इधर ना आ जाए, ठीक है, येलो ऊपर ना आ जाए और ये सब सेट ना हो जाए, तो तब तक आपको ये करना है जो हमने शुरू में किया था ना, आर यू, आर यू वाली ट्रिक है ये जो हमने शुरू में किया था। बस आपको स्क्रीन पे लिखी आई रही है, बस देख के कर लो। ये देखो अभी सेट हो गया, पर आप कहोगे सब बिगड़ गए, पर ऐसा नहीं है। तो अब इसको जो बिगड़ा हुआ है ना उसे सामने लाओ, ये जैसे कि सेट नहीं था तो इसे सामने लाए, फिर से वही ट्रिक, बस आपको यही करते रहना है। अब देखो अभी दो और रह रहे हैं, तो इन्हें सामने लाते हैं आपके। मुझे पता है ये सब बिगड़ जाएंगे ऊपर वाले, पर कोई बात नहीं, ये सही है। अब याला लास्ट, जब तक कि जब तक करना है ये जब तक नहीं आता। अब हमारा क्यूब पूरा सॉल्व हो चुका है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन योर क्यूब ऑल सॉल्व फर्स्ट टाइम एंड नाउ। तो गाइस अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो को जिसने अब तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। मैं एक और बार ऐसी नई वीडियो डालूंगा क्यूब की सॉल्व करने की, नई ट्रिक कुछ मुझे पता चलती है तो नई ट्रिक भी लाएंगे। और कल मैं एक पिरामिड क्यूब भी खरीदने वाला हूँ, तो उसमें भी ट्रिक बता दूंगा मैं आपको सॉल्व करने की। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।